भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भूज से दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। पिछले दो एपिसोड से हम आपसे वादा करते रहे थे कि मोहम्मद रफी साहब की एक बेहद ही रेयर स्टोरी आपके लिए हम लेकर के आएंगे, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स जो बैरून मुल्क भी बसे हुए हैं उनकी ओर से कुछ प्यारे से कमेंट्स हमें मिले थे और उसी कमेंट्स की बदौलत हमें दो नए एपिसोड्स रफी साहब पर बनाने की प्रेरणा मिली थी। आज का हमारा जो वादा था वो पूरा किए देते हैं। जब मैसेजेस और कमेंट्स का जिक्र चला है तो आज का हमारा एपिसोड शुरू करें उससे पहले एक जरूरी कमेंट जो हमें मिला है उनको आप सबके साथ शेयर करते चलते हैं। ईरान के हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, मिस्टर फरहाद अमीर बख्श साहब। उनका एक मैसेज आया था जिस मैसेज में उन्होंने उर्दू में लिखा हुआ था और उस मैसेज में उन्होंने हमारे चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं नजर की थी, हमारी पेशकश को सराहा था और आखिर में लिखा था कि जय हिंद के साथ आपका चैनल दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करता है। फरहाद अमीर बख्श साहब के इस मैसेज को उर्दू होने के कारण मैं बिल्कुल ही समझ नहीं पाया था क्योंकि मैं उर्दू लिख और पढ़ नहीं सकता, तो मैंने उनको रिप्लाई में इंग्लिश में लिखा कि मैं उर्दू जबान पढ़ और लिख नहीं पाता, आप मुझे कृपया किसी अलग लैंग्वेज में लिख करके भेजें। उन्होंने कहा कि जिस कदर आप उर्दू नहीं समझ पाते बिल्कुल उसी तरह से मैं इंग्लिश भी नहीं समझ पाता। दिलों के जज्बातों के लिए जबान कभी भी आड़े नहीं आ सकती। आखिर में फरहाद साहब ने जो लिखा वो बेहद ही दिलों को छू जाने वाली बात थी। उन्होंने लिखा कि उर्दू हमारा दीन है, संगीत हमारा मजहब। सलाम है आपके इस जज्बात के लिए। बिल्कुल जिस तरह से फरहाद अमीर बख्श साहब ईरान में है और उनके जज्बात हम तक पहुंचे और हम है यहाँ पर भारत में, तो मोहम्मद रफी साहब के द्वारा गाया एक बड़ा ही पॉपुलर गीत जिनमें भी जिक्र आता है भारत और ईरान का, वही गीत आज के प्रोग्राम के आगाज में डेडिकेट करते चलते हैं आप सभी दोस्तों को। रफी साहब ने गाया था, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। मोहम्मद रफी साहब के गीत की एक रेयर स्टोरी फिर से लेकर के हम आपके लिए यहां पर आए हैं। नो स्क्रिप्टेड वीडियो, नो फैक्ट स्टोरी, ओनली फैक्ट्स। पूरी दुनिया के अंदर हमारे राजनीति से जुड़े हुए नुमाइंदों को जिनको हम चुनकर के पॉलिटिक्स में भेजते हैं उनके लिए पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों की यही फीलिंग होती है कि हमारे पास वो जब इंतखाबात होते हैं, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तब वोट मांगने आते हैं, लेकिन 5 साल के दौरान वो हमें कभी भी नहीं दिखते। फिर से जब इलेक्शन आते हैं, इंतखाबात आते हैं, तो हमको वो देखने को मिलते हैं नए नए वादों के साथ। बिल्कुल ही यही बात गुलजार साहब ने फिल्म आंधी में लिखी थी। साल 1975 में एक फिल्म आई थी गुलजार साहब की, फिल्म का नाम था आंधी। गीत लिखे थे गुलजार साहब ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि साल 1975 में जब आंधी फिल्म रिलीज हुई, रिलीज होने के 26 हफ्तों तक ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर देखने को मिली। तत्कालीन उस समय की गवर्नमेंट को आंधी फिल्म का प्लॉट कुछ नागवार गुजरा और फिल्म आंधी पर बैन लग गया। आंधी फिल्म को स्क्रीन से जब हटा दिया गया लेकिन उसके गाने रेडियो पर बजते रहे।
साल 1978 में जब गवर्नमेंट बदली इलेक्शन नए इंतखाबात के बाद में, तब उस गवर्नमेंट ने आंधी फिल्म को 78 में री-रिलीज किया। री-रिलीज होने के बाद आंधी फिल्म बेहद ही पॉपुलर हुई। आंधी फिल्म के तीन गीत तुम आ गए हो, नूर आ गया है, किस मोड़ से जाते हैं और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं बेहद ही पॉपुलर हुए। लेकिन इस फिल्म का एक गीत था जिसमें दिखाया गया था कि चुने हुए नुमाइंदे किस कदर 5 साल के बाद पब्लिक में दिखते हैं, तब क्या होता है। तो गुलजार साहब ने गाना लिखा था ये। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने के साब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए। दोस्तों, इस गीत के अंतरे में गुलजार साहब ने अपनी कलम की रोशनी को कुछ इस कदर निचोड़ के रख दिया कि पूरी सरकार के नीति नियम को भी झकझोर कर रख दिया। हमारे वोट खरीदेंगे हमको अन्न देकर, ये नंगे जिस्म छुपा लेते हैं कफन देकर, ये जादूगर है ये चुटकी से काम करते हैं, ये भूख प्यास को बातों से राम करते हैं, हमारे हाल पे लिखने किताब आए हैं, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। ये वो दौर था कि जब गीतों के अल्फाज लोगों के दिलो दिमाग पर असर छोड़ते थे फिल्म के टीवी स्क्रीन से ज्यादा रेडियो के सुनने पर। जी हाँ, बिल्कुल हमारे पीछे रखे हुए रेडियो पर ही उसका इम्पैक्ट लोगों पर ज्यादा होता था। तो 1975 में इस गीत पर रेडियो के प्रसारण पर लगा बैन। 1978 में भी जब ये फिल्म री-रिलीज हुई, तब से लेकर आज तक इस गीत पर रेडियो से पाबंदी हटाई नहीं गई है। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। सलाम है गुलजार साहब के इन अल्फाज पर, सलाम है मोहम्मद रफी साहब की उस रूहानी प्यारी सी आवाज को। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर संपन्न करें, उससे पहले फिर से बताते चलें कि नए एक ऐसे ही रेयर एपिसोड के साथ हम आप सबसे फिर से मुखातिब होंगे। बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर प्लेनेट।